नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको आपके शरीर में होने वाली एक बहुत ही खास और बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसके कारण भारत में हर वर्ष लाखों की संख्या में मरीजों की मृत्यु हो जाती है। और वो बीमारी होती है दोस्तों, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। तो आज मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लुब्रिकेंट है जो ब्लड सेल्स में पाया जाता है। हार्मोन है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के क्या संकेत होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शरीर में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो 200 मिलीग्राम पर डीएल या इससे कम होनी चाहिए। बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल 200 से 239 मिलीग्राम पर डीएल यानी कि 200 से 239 मिलीग्राम पर डीएल के बीच होता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल 240 मिलीग्राम पर डीएल से ऊपर कहा जाता है। लक्षण होता है सांस फूलना। दोस्तों, थोड़ा चलने पर भी सांस फूलना या थकावट होना बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने का संकेत होता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण आप ज्यादा काम किए बिना ही थकावट महसूस करने लगते हैं। ऐसे में आपको देरी किए बिना डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए और अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो होता है जरूरत से ज्यादा पसीना आना। गर्मी में पसीना आना एक बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा यदि पसीना आपको आता है तो ये आपके लिए एक गंभीर संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज करने की बजाय आपको तुरंत अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक कराना चाहिए। यदि पैरों में आपको लगातार दर्द बना रहता है तो ये भी हाई कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण होता है। ऐसे में आपको दर्द दूर करने के लिए पेनकिलर नहीं खाना चाहिए, बल्कि तुरंत अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, और यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकलता है तो जल्द से जल्द आपको इसका इलाज शुरू करवाना चाहिए। इसके बाद यदि हम अगले सिम्टम को देखें तो सिर में तेज दर्द होना भी हाई कोलेस्ट्रॉल का एक लक्षण हो सकता है। भागदौड़ भरी लाइफ के कारण आजकल लोगों में सिरदर्द की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन लगातार सिरदर्द रहना हाई कोलेस्ट्रॉल का एक संकेत है। जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो दिमाग में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, इसके कारण आपको सिर में लगातार तेज दर्द रहने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका एक बहुत ही खास सिम्टम होता है और वो होता है वजन का बढ़ना। अचानक से लगातार वजन बढ़ना या भारी भारी महसूस होना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। इस लक्षण को नजरअंदाज ना करें और तुरंत अपना चेकअप करवाएं। इसके अलावा किन टैग्स बन जाना। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर आंख के नीचे या गर्दन में छोटे छोटे स्किन टैग्स निकल आते हैं। ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर से चेकअप जरूर कराना चाहिए, क्योंकि ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने का एक संकेत हो सकता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर का अचानक सामान्य से अधिक हो जाना कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने का कारण होता है। बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल के इस लक्षण को हल्के में लेने की बजाय अपना चेकअप तुरंत आपको करवाना चाहिए। जोड़ों में दर्द होना भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का संकेत होता है। यदि आपको पीठ में, घुटनों में, कमर में, जोड़ों में अचानक दर्द रहने लगता है तो आपको सबसे पहले अपना ब्लड चेक कराना चाहिए, अपनी लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए, जिसमें आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल का पता चल जाता है। यदि आपको बिना किसी कारण या भोजन के बाद सीने में दर्द या बेचैनी महसूस होने लगती है तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल डेवलप हो रहा हो। यदि आपकी धड़कनें तेज होने लगती हैं, आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने के कारण दिल में खून की जो सप्लाई होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती है, जिसके कारण दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो दोस्तों, यही सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का संकेत हमको देते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित और जानकारियां भी दूंगा, और इसके साथ ही मैं बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।